आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं राबिया रफीक। बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पाक अफगान सरहद टूट खम 24 घंटे खुली रखने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के तमाम इंतजाम मुकम्मल, टूट खम सरहद को सजा दिया गया। मंसूबे से पाक अफगान तिजारत को फरोग मिलेगा, वस्ती एशिया तक तिजारती रूट बनेगा। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं आएगी। शेख रशीद का कहना है दोनों पार्टियां कश्मकश का शिकार हैं। अक्टूबर और नवंबर बहुत अहम हैं। हुकूमत नहीं गिर रही, शहबाज शरीफ 30 सितंबर से पहले एक मुलाकात और करेंगे। वफाकी हुकूमत का खसूसी मीडिया अदालतें बनाने का ऐलान। काबीना इजलास के बाद मामले खसूसी वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की ब्रीफिंग। कहा कि अगर कोई कानून से बाहर काम करता है, मीडिया इस पर इल्जाम लगाता है, तो इसका केस ट्रिब्यूनल में जाएगा। मीडिया ट्रिब्यूनल शिकायत पर 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। मीडिया का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट किरदार और एहतसाबी अमल यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नायब तहसीलदार और महकमा माल अमला के हमरा दवाबा में मौका पर पहुंचकर जामे मस्जिद अनवारे मदीना और मोहल्ला की गली का बंद रास्ता वागजार करा के मामला सुलझा दिया। वादे की तकमील, स्टेट लाइफ का मंशूर। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से तकरीब का इनेकाद। मेहमान खसूसी कोर्ट अदूस सदर मोहम्मद यूनस खान ने पॉलिसी होल्डर मरहूम फियाज हुसैन की बेवा को अपने हाथों से 3,97,000 का चेक दिया, जबकि फियाज हुसैन ने 20,000 की सिर्फ एक किस्त जमा करवाई थी। के सिटी पुलिस का मंशियात फिरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फिरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। चनियोठाकानिया रोड पर 9 साल बच्चा चारा काटने वाली मशीन से जख्मी। बच्चे की कमीज मशीन में फंस गई, जिसके 22 बच्चे का बाजू टूट गया। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाही इलाका में 2 कंटेनर्स में तफादुम। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद MM रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कालाबाग मालिक अमीर मोहम्मद खान के पोते साबिक मेंबर जिला काउंसिल मालिक मोहम्मद अदरीस को अबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मैयत को दफनाने वाले खुद मौलवी आगोश में चले गए। लवाहिकीन मैयत को लेकर कब्रिस्तान जा रहे थे कि रास्ते में बिजली की तारों ने लवाहिकीन को दबोच लिया। करंट लगने से 2 अफराद मौका पर जा बहक। अलहादी ग्रामर स्कूल हरनाई में शमशाही इम्तहानात के नतीज का ऐलान किया गया, जिसके मेहमान खसूसी दारुल मुफ्ताज के प्रिंसिपल मुफ्ती अब्दुल मुदस्सर थे। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। घोटकी सिंह के सुबाई में शेर बंगल खान की हिंदू बरादरी से मुलाकातें। बंगल खान ने SSD दाम मंदिर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर बंगल खान ने कहा, मंदिर मस्जिद इबादत की जगह है, इन पर हमला करना इंतहाई अफसोसनाक है। डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली राहत अफसा की जानिब से जमा कराई गई। फेस्को वार्ड
आपदा कन्या के कारनामे। 7 माह पहले मेन बाजार कन्या की बिजली खराब हुई तो 24 घंटे बाद ट्रांसफार्मर ट्राली लगाई गई। 7 माह गुजरने के बाद भी मुस्तकिल ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। ट्रांसफार्मर ट्राली की वजह से रास्ता बंद, आवाम को दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान यूथ मूवमेंट मोहम्मद अब्दुल्ला और सीनियर रहनुमा कराची। आज पाकिस्तान यूथ मूवमेंट अब्दुल्ला शाह की चेयरमैन MQM डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहमदपुर सियाल में अखूत के जेर एहतमाम कर्जे हसना की तकसीम की तकरीब मस्जिद पीर अब्दुल लतीफ शाह में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल थे। इनका कहना था कि अखूत की तरफ से कर्जे हसना अहसन इकदाम है। पसरूर थाना बडियाना की बड़ी कार्रवाई। DPO मुस्तनसर फिरोज सियालकोट की हदायत पर DSP पसरूर शेख मोहम्मद इलियास की जेर निगरानी दोहरे कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम 2004 में 2 कत्ल करके फरार हो गया था। चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हेल्थ मियांवाली डॉक्टर अख्तर परवेज का MSDHQ मियांवाली के हमराह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड का विजिट किया। अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों के इलाज मुआवजे और मुफ्त अदवायात की फराहमी और दीगर सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। कहा कि जिला भर की आवाम की तवक्कोआत के मुताबिक मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोटदू दायरा दीन पनाह में मेडिकल स्टोरों पर जाली अदवैया करने और गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतासिब मेडिकल स्टोर सील दौरान कार्रवाई जाली अदवैया कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। दायरा दीन पनाह में मेडिकल स्टोरों पर जाली अदवैया की फरोख्त अरसा दराज से जारी थी। हेडक्वार्टर अस्पताल ईसाफील में नए तैनात होने वाले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसान उल्लाह ने डेंगी आगाही मुहिम के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद किया और डेंगी से बचाव के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो आजकल हमारे एरियाज में कहने या मुल्क में कहने एक वबा फैली हुई है डेंगी की। तो डेंगी के बारे में हमने एक ओरिएंटेशन क्लास ही कह लें ताकि इनके जरिए हम अपना पैगाम पूरे इलाके में फैला सकें। इंट्रोडक्टरी भी कह सकते हैं, ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं, ताकि इससे हम फायदा उठाएं और लोगों को बहुत ज़्यादा शऊर दें कि डेंगी से हम किस तरह काबू पा सकते हैं, उसे किस तरह एहतियात कर सकते हैं। न्यूज रूम से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।